टीम इंडिया के पूर्व बल्लेबाज और पूर्वी दिल्ली से भाजपा सांसद गौतम गंभीर सियासत के पिच से आउट हो गए हैं। लोकसभा चुनाव के लिए टिकट कटने की अटकलों के बीच गौतम गंभीर ने अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए सक्रिय राजनीति से संन्यास लेने का संकेत दिया है। उन्होंने बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सियासी दायित्व से खुद को मुक्त करने का आग्रह किया। गौतम गंभीर के इस पोस्ट के बाद आम आदमी पार्टी उन पर हमलावर हो गई है। आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्वी दिल्ली लोकसभा सीट से इंडिया ब्लॉक के उम्मीदवार कुलदीप कुमार ने भी गौतम गंभीर पर हमला किया है। उन्होंने कहा वो दिल्ली के लोगों से मिलते नहीं थे, किसी के दुख सुख में नहीं गए, उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड नहीं की। गंभीर सिर्फ हवाबाज थे और जमीन वाले लोगों के सामने हवाबाज उड़ गए। दिल्ली सरकार के मंत्री और आप नेता आतिशी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा, आज गौतम गंभीर ने पोस्ट पर कहा कि अब राजनीति से संन्यास ले रहे हैं। इसका मतलब साफ है कि भाजपा गौतम गंभीर का टिकट काट रही है। भाजपा का ट्रेंड चल रहा है कि पहले वो किसी को भी टिकट दे देती है, उसकी योग्यता नहीं देखती, चाहे वो भाजपा के सांसद हो या विधायक हो या पार्षद। ऊपर से नीचे तक चुना गया बीजेपी का कोई भी प्रतिनिधि ना तो अपने इलाके की जनता में नजर आता है और ना कोई काम करता है। पिछले 5 साल से गौतम गंभीर ने अपने इलाके में कोई काम नहीं किया। गौतम गंभीर क्या सभी सांसद अपने इलाकों से नदारद रहे हैं? आतिशी ने बीजेपी को अपने साथ दिल्ली सांसदों का रिपोर्ट कार्ड देने की चुनौती दी और कहा कि जब एलजी दिल्ली सरकार का काम रोक रहे थे तो ये 7 सांसद क्या कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब संसद में दिल्ली के संवैधानिक अधिकारों की हत्या हो रही थी तब ये 7 सांसद कहाँ थे। गौतम गंभीर को निशाने पर लेते हुए आतिशी ने कहा, गंभीर पूर्वी दिल्ली से भाग गए हैं। मैंने गौतम गंभीर को पूर्व दिल्ली से चुनाव लड़ने की चुनौती दी थी लेकिन उन्होंने भागने का फैसला किया। बेकार उम्मीदवार बीजेपी द्वारा मैदान में उतारे जाते हैं, वो 5 साल तक काम नहीं करते और फिर वो इन उम्मीदवारों को बदल देते हैं। गंभीर के पास क्रिकेट कमेंट्री करने के लिए समय था लेकिन उनके पास लोगों के लिए काम करने का समय नहीं था।